बेटा रुक जाना बेटा, मेरे से गलती होगी, मैं आज के बाद बहू को कुछ नहीं कहूंगी, बस एक बार माफ कर दे बेटा मुझे, प्लीज एक बार माफ कर दे, ना जा बेटा। अरे छोड़ो मम्मी। अरे बात तो सुना, अरे आप ही कुछ समझाते क्यों नहीं, मैंने तो अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली, अरे मेरे से नहीं देखा जा रहा बेटे बहू को ऐसे जाते हुए, प्लीज आप कुछ करो ना। अब मैं नहीं कुछ कर सकता, तुझे इतने टाइम से समझा रहा हूँ बहू के साथ प्यार से रहा कर, पर तूने मेरी एक नहीं मानी, सुनती है कभी किसी की बात, अब तेरी वजह से जा रहे हैं भुगत। प्लीज आप आखिरी बार मेरा साथ दे दो, एक बार बहू बेटे को रोक लो, मैं सारी अपनी आदतें बदल लूंगी, अब से बहू के साथ लाड प्यार से रहूंगी बिल्कुल ही, बहू को कोई तंग नहीं करूंगी, ऐसे तो हम घर में सिर्फ दो लोग रह जाएंगे, पहले तीन थे, बहू के आने से तो घर में रौनक हो गई थी, सारा दिन उसकी पायल की आवाज छन छन छन, अरे मैं नहीं रह सकती बहू के बिना, प्लीज उसे रोक लो। अब मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, अब तो आशु ने भी सब कुछ सुन लिया, सुबह का याद है ना तुझे? हाँ बहू, ये खाना बनाया है, ये जहर बनाया है, मारना चाहती है क्या मुझे? मम्मी मेरे से ना गलती से नमक ज्यादा डल गया सब्जी में। हाँ हाँ तू तो मुझे मारना ही चाहती है, तू तो सोचेगी कि मेरी सास मरे और अपने गरीब बाप को यहाँ पे लाके रख लूं, तेरे बाप ने भी तो इसी लालच में तेरी शादी यहाँ पे की है, अरे दुधारू गाय किसे बुरी लगती है? मम्मी जी ईश्वर गवाह है, मेरे पापा को कोई लालच नहीं था, आशु ने ही पापा को मनाया था इस शादी के लिए। वो तो मुझे पता ही है किसने मनाया था, सारा बेड़ा गर्क तेरा ही हुआ है, ऐसा फंसाया मेरे बेटे को और अब इस घर में अब तेरी मर्जी चल रही है, पहले तो मीठी मीठी बातों से मेरे बेटे को फंसा लिया। बस मम्मी बस, बहुत हो गया, आप ऐसे ही बेफालतू में ज्योति को सुनाते जा रहे हो, ज्योति के पापा ने तो इस शादी के लिए साफ साफ मना किया था मुझे कि हमारी हैसियत नहीं है तुम्हारे घर में शादी करने की, ये शादी सिर्फ मेरी मर्जी से हुई है मम्मी। और हाँ, अगर मम्मी आपको ज्योति इतनी बुरी लगती है ना, मैं इसे लेकर ना इस घर से ही चला जाता हूँ, चल ज्योति। अरे ऐसे कैसे, क्या बोलता जा रहा है? अरे आप ही देखो ना, चुप होके खड़े हो। मुझे तो यही लगता था कि मेरा बेटा मातृभक्त है, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, मैं ही जाके दोबारा मनाने की कोशिश करती हूँ उन्हें। अरे बहू बेटा एक बार मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं तुझे कभी उल्टा सीधा नहीं बोलूंगी, बेटा एक बार अपनी माँ का मान रख ले, मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे, तू ना जा घर छोड़ के। मम्मी जी मैं तो नहीं जा रही। क्या? हाँ जी मम्मी जी, मैं तो कहीं भी नहीं जा रही घर छोड़ के। अरे बहू फिर ये सारा सामान, ये सारा क्यों बाहर निकाला तुमने? अरे मम्मी जी मैं जा रहा हूँ बिजनेस ट्रिप पे बाहर एक महीने के लिए, और आपकी बहू कहीं नहीं जा रही, या आपके पास ही रहेगी। मम्मी जी बचपन में पहले ही मैंने अपनी माँ खो दी, आप तो मेरी माँ हो, मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? बड़ी मुश्किल से दोबारा माँ मिली है मुझे। अरे बहू मुझे माफ कर दे तू, तूने तो अपनी सास को माँ समझ लिया, पर मैं ही शायद बहू को बेटी नहीं समझ पाई, आज के बाद एक कानों को हाथ लगाती हूँ, मैं कभी कोई गलती नहीं करूंगी। एक माँ बच्चों से माफी नहीं मांगती मम्मी।